कि हमें आशीर्वचन दे, हमें संबोधित करें। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातागमनं वानर्योतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज की शाम सभी लोग उत्साह में हैं। जय सदाराम, जय जय सदाराम। सुबह की तरह जैसे मैं बोलूंगा जय सदाराम तो आप बोलेंगे जय जय सदाराम, जय सदाराम। और जोश और उत्साह के साथ दोनों हाथ उठाकर जय जय सदाराम। हर बार वंदे महाबली बजरंग बली की, भारत माता की। आप पहले बताइए उत्साह में है? यदि उत्साह है तो आपके चेहरे में चमक दिखनी चाहिए थी। एक बार ठीक लिया के हंसते सभी आवाज निकाल कर हंसे आवाज के साथ और खुलकर खुलकर। आज अमृत वर्षा हो रही है, इसमें नहा लो, रस पान कर लो, इससे चुको मत। जो नहीं मुस्कुराया, जो नहीं आता, वो चुक गया। तो फिर से हा आज बातें हो रही थी चार वर्ण की। हमारे समाज में चार वर्ण हैं, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बच गए कौन? ये संत बच गए। इन चार वर्णों के ऊपर में यदि ये संत बैठ गए तो क्या बन गई? हमारी मुट्ठी बन गई, यानी एकता और मजबूती बन गई, है ना? यदि समझ गए तो अपने अभिवादन में एक बार ताली बजाओ, समझे कि ये बात समझ में आ गई। चार वर्णों के ऊपर में संतों का आशीष मिल गया तो हमारा समाज मजबूत। अब हम कह सकते हैं सिंध में तो अपनी वहां तो सत्संग होते ही हैं। अब यह भी हम कहेंगे आने वाले समय में लाहौर और रावलपिंडी में भी तिरंगा और सदाराम का झंडा लहराएगा। बोलिए जय श्री राम। मजा नहीं आया, इतने लाहौर तक नहीं पहुंच पाएंगे तिरंगे लेकर। हनुमान जी का ध्वजा, सदाराम जी का झंडा और तिरंगा झंडा अगर लाहौर रावलपिंडी में फहराना है तो आवाज निकालो यहाँ, उसकी एक गूंज वहां जानी चाहिए और आपके शत्रु के सीने पर कंपन होनी चाहिए। हाँ कि ना? तो चलो फिर से बोलो जय जय श्री राम। पीछे वाले को नहीं जाना है लाहौर, आप नहीं जाओगे, आपके हाथ में भी झंडा होगा। तब तक मैं नहीं मानूंगा जब तक आप संतोषजनक लाहौर तक आवाज जाने वाले नहीं दोगे। मैं फिर नीचे आ रहा हूँ आपके सामने, जिनका हाथ नहीं उठा मैं वहां पहुंच कर उनके मुंह में माइक लगाऊंगा। मैं दिख रहा है यहाँ से। चलो फिर से एक बार जय जय श्री राम। पड़ोस को देख के ज्यादा उत्साह आ रहा है थोड़ा। वंदे जय भवानी, जय भवानी। ये मातृशक्ति, ये मीडिया को देखिए ऐसा उत्साह है, ये तो लग रहा है हमारा राम राज्य आएगा। राम राज्य लाना है नहीं? आवाज निकालो इधर से भैया, राम राज्य लाना है तो बोलो बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की जय हो। हिंदू राष्ट्र होगा ना, भारत माता की जय हो। आज हम एक संकल्प लेकर यहां से जाएंगे उस उत्साह के साथ में। हम प्रतिदिन घर से तिलक लगाकर निकलेंगे, हाथों पे ये मौली धागा होगा अवश्य। हमारे घर के बाहर, हमारे वाहनों में हमारे प्रतीक चिन्ह अवश्य होंगे। क्या होंगे? चलिए, जिनका हाथ नहीं उठा रहे मतलब वो पाकिस्तान वाले हैं, वो रावण के वंशज हैं। नहीं होगा तो चलो एक बार फिर तो एक बार बताओ, उपस्थिति बताओ, आपके गाड़ियों में होगा ना वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सदाराम, कुछ भी खाली होगा?
आपके घर के बाहर में स्वास्तिक चिन्ह ओम जय श्री राम भगवा ध्वज सदाराम का ध्वज लगेगा और थोड़ी जोर से। हाँ, ये आवाज जाएगी कहां रावलपिंडी पाकिस्तान तक जाएगी। अभी सिंध में पांव रखा है आपने मात्र, अभी लाहौर रावलपिंडी में झंडा लहराना है, याद रखना ही तो आपने। ये बेटियां भी जाएगी आगे आगे झंडा में, है ना बच्चा, आगे आगे ध्वज लेकर जाएंगे और देखेंगे कोई हिंदुस्तान से आया है यहाँ झंडा फहराने। पाकिस्तान की हालत देख रहे हो क्या है, तो उत्साह बना के रखना है और वहां तक हमारा झंडा लहराएगा। तो घंटी कह रही है राम का नाम नहीं हुआ, थोड़ा राम का नाम हो जाए क्या, हो जाए, अगर हो जाए तो एक बार हाथ उठा के उपस्थित भी दो। ये हुए राम भक्त, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, विश्वास रखना है कि हमारे सीने से भगवंत बलि के अंदर में थे ना राम जानकी, तो हमारे सीने में भी राम लखन जानकी उनका चित्र हमारे हृदय में हमेशा विराजमान होगा। और जब वो ऐसा होगा तो हमारा उत्साह कभी कम नहीं होगा, हमारा पराक्रम कभी कम नहीं होगा, हम हमेशा शौर्य में रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, तो चेहरे के अंदर में मुस्कुराहट और सीने के अंदर में श्री राम का भाव ये रखते हुए उत्साह के साथ ताली बजाते हुए पीछे वाले भी एक एक लोगों के हाथ उठने चाहिए, क्योंकि अमृत वर्षा हो रही है, जो चूक गए वो चूक गए। तो इस वर्षा में नहाओ, राम राम के लूट है लूट सके तो लूट, इसमें पछताने वाली बात नहीं है। फिर से सभी लोग एक भी कोई ना छूटे, जो छूटा वो कोई नहीं, सभी लोग आए हैं आनंद के लिए। तो चलिए फिर से उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए आपके चेहरे में श्री राम के दर्शन का भाव दिखना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बहुत मस्ती हुआ है। और सदाराम जी के दरबार में सिर्फ
तैयार है? क्या क्या हो गया? सबसे पहले हाथी का था, आया आया किनारे आया। अरे सोफा छोड़ो, सोफा थोड़ी देरी के बाद फिर से एक बार रहा। ओके ओके